आने वाली फुल फॉर्म जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका काजल चैनल। हमारा आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है ABRS स्टैंड फॉर, मीन्स ABRS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, एडवांस बेस्ड रेमिटेंस सर्विस या फिर नन। तो ABRS की जो फुल फॉर्म है गाइस वो है हमारी आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है UTR का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है यूनिकली ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस या फिर नन। तो जो हमारी UTR की फुल फॉर्म है वो होती है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट MICR का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों में चेक्स को जो पढ़ने के लिए यूज़ होता है वो होता है हमारा MICR, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट QR कोड का अर्थ होता है। ऑप्शन क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिकॉर्डर कोड, क्विक रजिस्टर कोड या फिर नन। तो QR कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रिस्पांस कोड, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट IDS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस या फिर नन। तो IDS की फुल फॉर्म होती है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट एरिया नेटवर्क या फिर नन। तो पैन की फुल फॉर्म देखिए गाइस यहाँ पर दो होती हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में पूछी गई है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यदि आपको एग्जाम में आए पैन की फुल फॉर्म और वहाँ पर अगर परमानेंट अकाउंट नंबर ऑप्शन दिया गया हो तो आप उस पर क्लिक कर देना, वो भी आपका राइट होगा। आप ऑप्शन में देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, उसी के अनुसार क्लिक कर देना। नेक्स्ट है डबल ईरोम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर नन। तो डबल ईरोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ ECB, ECB की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरो, एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग्स या फिर नन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ NUUP मीन्स इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन है नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेटवर्क यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म या फिर नन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट HTWL का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट वेब डिज़ाइन लैंग्वेज। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है IDS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन इंट्रूजन डायरेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सोर्स या फिर नन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट LAN का पूरा नाम क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो LAN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट POS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन पावर ऑन स्विच, पॉइंट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल या फिर नन। तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट B2B का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन बेस टू बेस, बेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस या फिर नन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट NEFT की फुल फॉर्म क्या है। तो गाइस देखिए मैंने अब आपको आगे जो फुल फॉर्म है उसमें जो है ना
ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे वन बाय वन ऑप्शन देती चली जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगी और मुझे आपको 50 फुल फॉर्म प्रोवाइड करनी है। तो मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिए, आप इनको याद कर लेना। तो जो NEFT की फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? तो E4 Advance, R4 Research, P4 Project, E4 Agency और Network ये होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट SERP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट WWW की फुल फॉर्म क्या है? तो WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर WWW की जगह एग्जाम में 4W आ जाए तो तब लास्ट W का मतलब होगा वॉर्म, तो तब फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। नेक्स्ट IP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट CCC की फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल में यूज होने वाली CCC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट POP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट USSD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट IC की फुल फॉर्म क्या है? तो तीसरी पीढ़ी में यूज होने वाली इस IC की फुल फॉर्म थी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट भीम की फुल फॉर्म क्या है? गाइज आप इसे गेम वाला भी मत समझ लेना, ये PM ने ये ऐप लॉन्च की थी, ये वो वाली भीम है ना कि गेम वाली। तो इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी हमारी भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट AI की फुल फॉर्म क्या है? तो AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट CMOS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट उमंग की फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इसको तो अच्छे से याद ही कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट AEPS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट UPI की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इसकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट BCC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट IE की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट ROM की फुल फॉर्म क्या है? तो जिसमें केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट AARO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑथेंटिक एनर्जेटिक रिफ्लेक्टिव ओपन। थोड़ी सी हार्ड है बट जब आप वहाँ ऑप्शन में देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट IRC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट XML की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए गाइस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट W3C की फुल फॉर्म क्या है? तो तीन W हैं, तो तीन W से हो गया वर्ल्ड वाइड वेब और C मीन्स कंसोर्टोरियम। नेक्स्ट HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट IDBI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट EDP की फुल फॉर्म क्या है? तो EDP की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट ATM की फुल फॉर्म क्या है? तो ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट CDAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर डेवलप
है। तो आधार कार्ड तो सभी ने बनवाए थे गाइस, तो ये बस वही है, उसके द्वारा दी गई एक अद्वितीय पहचान है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट LED की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो गाइस हमारी आज की इस वीडियो की जो लास्ट फुल फॉर्म है वो पूछी गई है IMAP की। तो IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो गाइस ये थी वो 50 फुल फॉर्म जो मैंने आज आपको प्रोवाइड की। मुझे पूरी उम्मीद है ये फुल फॉर्म आज आपके SSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो जिनके भी एग्ज़ाम हो जाए वो मुझे आने के बाद नीचे कमेंट करके ज़रूर दें कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपके लिए फुल फॉर्म हेल्पफुल रही या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन कर देना ताकि जब भी हम कोई न्यू अपडेट लाएं तो वो आपको मिलती रहे। अभी तक के लिए गुड बाय।